जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों, मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक बहन भक्त है, उनका ऐसा अनुभव बताऊँगा कि हनुमान जी ने उन्हें हालात से लड़ने की शक्ति दी और हालात से लड़ना सिखाया, हालात से उन्हें बचाया भी। वो क्या, वो ये, जय श्री राम बोल को शुरू करते हैं। जय श्री राम। उनके हस्बैंड को ब्लैंक कॉल्स आते थे और कुछ हैक, फोन हैक हो गया था उनका। किसी तरह से वो किसी की बंदिश में आ चुके थे, जो उनसे ब्लैंक कॉल करके, किसी तरह की धमकी दे करके, डरा करके पैसे उनसे ऐंठने की बात करता था। कुछ समय ऐसा चलता रहा, रोज कॉल आते थे, रोज डराते थे। शायद उन्हें कोई ऐसी बात पता थी जिस वजह से ये डरते थे, या शायद ये डरते ही थे कि कोई ऐसी बात, कोई धमकी, हम तुम्हें मार देंगे, इतने पैसे दो हमें, नहीं तुम वहाँ जाते हो ड्यूटी, उस जगह पे हमने तुम्हें देखा था, अब हम तुम्हें उस दिन फलाने दिन उस दिन मार देंगे, नहीं तो हमें इतने पैसे दो, हमारा ये अकाउंट वगैरह, इस तरह की चीज़ें, और पुलिस को बताया तो तुम्हारी फैमिली पर हमला कर देंगे, फलाना फलाना, इस तरह की चीज़ों से उनको डराने लगे। उनके हस्बैंड डर गए। एक दो बार, तीन बार उन्होंने पैसे भी दिए कि चलो पैसे देके मामला निमट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी आदत लग गई, मुंह को खून लग गया और वो बार बार इनको तंग करने लगे, कॉल्स पे कॉल, डराना, धमकाना, ऐसी धमकी देना, वैसी धमकी देना, जैसे फिल्मों में होता है ना, इसी तरीके से। आखिरकार इनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बताना जरूरी समझा, क्योंकि सुख और दुख की साथी वाइफ होती है, या वाइफ का सुख दुख का साथी हस्बैंड होता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे कोई कॉल डराता है और मेरे को धमकी देता है, और मैंने एक दो बार उन्हें पैसे भी दे दिए हैं, फिर भी वो मान नहीं रहे हैं। तो इन्होंने भी सुनी एक दो कॉल्स, ये भी डर गई, इनको भी घबराहट होगी कि अब मैं क्या करूं। फिर इन्होंने, जब डरते डरते एक ही व्यक्ति इन्हें याद आया, इन्होंने हनुमान जी को बड़ा भाई बनाया और उनसे विनती करी कि प्रभु इस समस्या से हमें बाहर निकालिए, बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम, कौन हमें डरा रहा है, धमका रहा है, धमकी देता है, पैसे लेता है, लूट चुका है हमें। और इन्होंने हनुमान जी का नाम लेकर के हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू कर दिए। उस दिन उन्होंने 108 हनुमान चालीसा पढ़ी, उससे अगले दिन, जिस दिन उन्हें ये बात मालूम चली, इसीलिए कि प्रभु मैं हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ रही हूँ कि ये दोबारा हमें तंग ना करे, इनका निपटारा कर दीजिए। आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा चमत्कार हुआ, उनका कॉल ही नहीं आया अगले दिन, जो कि रोज दिन में कई बार कॉल करते थे, उनका कॉल ही नहीं आया। उससे अगले दिन भी नहीं आया, उससे अगले दिन, मतलब एक हफ्ते तक नो एनी कॉल, किसी तरह की धमकी नहीं, कुछ नहीं। एक हफ्ते बाद कॉल आया, जब तक हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के हनुमान जी ने इन दोनों को ऐसी शक्ति प्रदान कर दी थी कि ये डरना इनका बंद हो गया, डरना बंद हो गया। और इन्होंने खुद ही फोन पे उसे सामने वालों को इतना डांटा कि जो होगा देख लेंगे, कर लेंगे, जो तू कर ले, जो हम कर लेंगे, बहुत डांटा, और उसका कॉल आना फाइनली बंद हो गया। तो ये हनुमान जी ने इनको शक्ति दी कि ये कॉल जो तुम कर रहे हो ना, उसको डराओ, डरा के मान जाएगा। तो इन्होंने खूब डराया, इन्होंने उल्टा उसको डराया और वो काबू में आ गया। तो इस तरह की परेशानी, कुछ अलग तरह की परेशानी है ये, कोई ना कोई जूझ ही रहा होगा। हनुमान जी ने बड़ा भाई बन के इनका साथ दिया, इनको हालात से लड़ने की शक्ति दी और इनको बताया आपको क्या करना है फ्यूचर में। तो उन्होंने वही किया और बिना डरे, निडर होके हनुमान जी साथ में खड़े हो, जैसे कह रहे हो कि डांट इसको, देखता हूँ मैं कौन है, ऐसे ही किया और वो कॉल्स आने बंद हो गए। और हम आशा करते हैं बजरंग बली इन पर कृपा बनाए रखें, फ्यूचर में भी उनके कॉल्स ना आए। अगर आते हैं, कोई और भी कॉल इनका आता है, तो अब की बार ये हनुमान चालीसा ना पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें सीधा, और बोलें प्रभु संभाल लो तुम, बस इतना बोलें कि बजरंग बली महाराज आप संभाल लो, बजरंग बाण पढ़ें रोज 100। इनके हस्बैंड भी ये भी, और फिर देखना तुम, कॉल तो कॉल, फ़ोन करना भूल जाएंगे किसी को भी, ऐसी शक्ति है हमारे हनुमान जी महाराज। तो ये अनुभव थोड़ा अलग और हटके था, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना कमेंट्स के माध्यम से। और आपको भी अनुभव हुए हैं तो हमें ईमेल कीजिए, हम उसे आप सबके और बालाजी के इस चैनल में
साझा करेंगे, लोगों तक भेजेंगे, ताकि लोगों का भक्ति विश्वास हनुमान जी पे और बढ़े, जो कि पहले से ही है, और बढ़े, जिनका कभी कभी दर्शन ना होने की वजह से या फिर कोई काम ना बनने की वजह से उनका आत्मविश्वास टूटता जाता है, वो आत्मविश्वास मजबूत हो जाएगा अनुभवों को सुनकर। तो ये अनुभव आपको कैसा लगा जरूर बताना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।